कुंभ मेले का एक ऐसा प्राकृतिक जगह जहां पर भारत के पूर्व इतिहास को दिखाया गया है, पूर्व इतिहास को दर्शाया गया है, पुराना भारत किस तरह से था, किस तरह से चलता था और आज का नया भारत किस तरह से चल रहा है। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को दिखाएंगे और पुराना भारत किस तरह से, पुराने भारत के राजाओं ने भारत पर शासन किया, मुगलों ने कैसे शासन किया, आज आप इस वीडियो में देखेंगे और किस तरह से वो लोग हथियार का प्रयोग करते थे, आज सब कुछ आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। दोस्तों पुराना भारत कहने को तो पुराना भारत है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतना लाजवाब है कि कोई भी इसका इतिहास यदि सुनता है तो सुनता ही रह जाता है, क्योंकि इसके इतिहास में इतनी मिठास है, इतनी कोमलता है, क्योंकि इसके इतिहास को इस तरह से संवारा गया है, इसका इतिहास इस तरह से संवरा था कि आज यदि कोई व्यक्ति सुनता है इसके बारे में, इसकी कल्पना करता है, तो वो पुराने इतिहास में भारत के खो जाता है। पुराना इतिहास भारत का कोई ऐसा वैसा इतिहास नहीं, कोई साधारण इतिहास नहीं, वीरों की एक ऐसी कहानी रही है, फ्रीडम फाइटरों की ऐसी कहानी रही है जो कि अपने आप में भारत को खूबसूरत बनाती है। जब हम भारत के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो भारत की उन चीज़ों को भी, उन चीज़ों के बारे में भी सुनते हैं जो कि भारत में पहले बनाई जाती थी। भारत की क्या क्या चीज़ें विख्यात थी, भारत में कला शिल्प का कितना विकास था उस समय, उस दौर में जब अंग्रेज अपने भारत से कला शिल्प को खरीदने के लिए आते थे, लेकिन खरीदने आए अंग्रेजों ने कला शिल्प को अपने देश को ही किस तरह से उन्होंने गुलाम कर लिया था, ये तो आप जानते ही होंगे, किताबों में भी शायद आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अपना पुराना भारत जिस तरह से था वो अब से भी अच्छा भारत था, लेकिन जिस तरह से नया भारत बन रहा है उसके अंदर वैसे ही मिठास ख़त्म होती चली जा रही है। इसी वजह से अपने देश की सरकार अपने पुराने इतिहास के चीज़ों पर ज़्यादा जोर दे रही है, उन चीज़ों को इसलिए जोर दे रही है विकास के लिए क्योंकि वो इतना रमणीय था, इतना खूबसूरत था, हस्तकला शिल्प, भारत का कला इतना दमदार था, इतना प्राकृतिक लगता था, इतना खूबसूरत लगता था कि यदि कोई व्यक्ति देखता था तो देखता ही रह जाता था। इस जगह पर, इस प्रदर्शनी में जब हम लोग गए तो हम लोगों को पुराने भारत का याद आने लगा, इस तरह से था अपना पुराना भारत, और हम लोग अपने पुराने भारत में खो गए, और उस समय इतना अच्छा लग रहा था कि ये 2 घंटे का हम लोगों का घूमना फिरना इतना जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला। दोस्तों यहाँ पर जो भी सामान दिखाई दे रहा था इतना खूबसूरत था, इतना रमणीय था, और यह सब सामान अपने देश के चीज़ों से बनाई गई थी, लकड़ियों से बनाई गई थी, मिट्टियों से बनाई गई थी, घास फूस से बनाई गई थी, इसमें कोई भी चाइना का इस्तेमाल नहीं प्रयोग किया गया था, ना ही इसमें अमेरिका का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश का देसी चीज़ इस्तेमाल किया गया था, और वह आज हम लोगों ने जब इसमें देखा तो हम लोग सन्न रह गए कि बताओ अपना भारत भी किसी देश से कम नहीं है, यदि अपना भारत चाहे तो अपने देश के चीज़ों का प्रचार करे और इतना ऊंचे बुलंदियों तक हो सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों अपने देश का कलाकृत से और लोगों को इस तरह से मोहित किया जा सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने देश के कलाकारों को पता है, हम जैसे लोगों को पता है, ना कि उन लोगों को पता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ चाइना के सामान खरीदने के लिए लगे रहते हैं।
चाइना का सामान दो दिन तो चलता है लेकिन सस्ता भाई सस्ता भले रहता है, लेकिन भारत का सामान देसी चीज जो हमेशा हमेशा के लिए चलता है यदि आप एक बार उसको खरीद ले तो। हमने इस जगह पर जब जाकर ब्यौरा लिया, इस जगह पर जाकर कवरेज दी, तो दोस्तों हम लोग देखे कि इस जगह पर अपने पुराने इतिहास के बारे में, फ्रीडम फाइटरों के बारे में, देश के क्रांतिकारियों के बारे में इस तरह से हम लोगों को बताया गया है। शायद आप उसको किताबों में भी नहीं पढ़ सकते, किताबों में तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट में बताया जाता है, विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती। लेकिन आप इस जगह पर जाएंगे तो इस जगह पर ऐसी ऐसी किताब मिलेंगी आपको, ऐसा ऐसा यहाँ पर कलाकृत मिलेगा, पेंटिंग मिलेंगी, बोर्ड मिलेगा, जो कि आपको ये दर्शा देगा, ये दिखा देगा कि भारत अपना पुराना इस तरह से था, गांधी जी का पुराना इतिहास किस तरह से था, कुंभ मेले का इतिहास पुराना किस तरह से था, भारत के मुगलों का इतिहास पुराना किस तरह से था। दोस्तों इस रिपोर्ट को आप देखते रहें और देखिए कि किस तरह से इस रिपोर्ट में हम लोगों ने आपको देसी चीज़ों को दिखा रहे हैं हम लोग, और आपको किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं कि देसी चीज़ों पर ज़्यादा दबाव दीजिए, ना कि विदेशी चीज़ों पर, क्योंकि अपने देश की चीज़ों में नज़ारा किस तरह की है इसके अंदर का नज़ारा, तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। ये है अपने भारत के पुराने इतिहास का नज़ारा, किस तरह से भारत पहले था, पुराना भारत कैसे था, तो चलिए देखते हैं दोस्तों पुराना भारत को किस तरह से यहाँ दर्शाया गया है। जब पुराने भारत का बात चलती है लोगों में, तो कुछ लोग सोचते हैं कि पुराना भारत सिर्फ और सिर्फ पुराना भारत था, हमें नए भारत की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन शायद उन नादानों को ये नहीं पता कि जिस तरह से अपना पुराना भारत था वो अपने आप में खूबसूरत था और अपने आप में रमणीय था, इस वजह से क्योंकि उस समय हम लोग अपने देश का चीज़ इस्तेमाल करते थे, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, अपनी कलाकृति को आगे बढ़ाते थे, ना कि दूसरों की कलाकृति को आगे बढ़ाते थे। और आपको बता दें दोस्तों, इस जगह पर जब आप आएंगे तो आपको कृष्ण लीला का बात समझाया जाएगा, कृष्ण लीला की कहानी आपको दिखाई जाएगी, किस तरह से भगवान कृष्ण का जीवन चलता था वो आपको दिखाई जाएगी, और महादेव किस तरह से जीवन यापन करते थे वो भी दिखाई जाएगी। दोस्तों इस जगह पर आपको आने के बाद पुराने इतिहास में मुगलों का राज्य भी, मुगलों का शासन भी दिखाई देगा कि मुगल किस तरह से अपने भारत में शासन करते थे, किस तरह से वो अपने मुगल वंश का प्रचार करते थे, ये आप सब कुछ इस वीडियो में देख रहे होंगे। इस वीडियो में आप हर वो कलाकृति देख रहे होंगे, हर वो पेंटिंग देख रहे होंगे जो भारत में बनाई गई थी, ना कि विदेशों में बनाई गई थी। जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हैं वो पेंटिंग्स पूरे भारत के कलाकार बनाए हैं, और यह इतनी लाजवाब पेंटिंग है कि कोई भी विदेशी कलाकार इन पेंटिंग्स को नहीं बना सकता। यह पेंटिंग अपने देश के कलाकारों ने बनाई है दोस्तों। यदि आप इस पेंटिंग को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह कोई पेंटिंग है, ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कि हम वाकई में सामने खड़े हैं इस महल के और पोज देकर फोटो ले रहे हैं। दोस्तों यह कलाकारी अपने देश के कलाकारों में है, ना कि विदेशी कलाकारों में। जो देश के कलाकारों में है अपने, वो विदेशी कभी भी नहीं पा सकते, क्योंकि विदेशी तो सिर्फ और सिर्फ विदेशी होते हैं, देसी देसी ही होता है दोस्तों। देश में बनी आइटम ज़्यादा चलती है, विदेश में बनी आइटम ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, उसका कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। कहने का तो सब कहते हैं कि गारंटी है, लेकिन सच में देखा जाए तो देश में बनी चीज़ों का ही सिर्फ गारंटी हो सकता है, विदेश में बनी चीज़ों का
कोई गारंटी नहीं, भले ही एक बार बिगड़ जाए, भले ही वो लोग बना दे, लेकिन जो अपने देश में बनती है उसकी गारंटी होती है कि हमने अपने आप से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, ये काफ़ी दिन तक चलेगा और हमको विश्वास है हमारी बनाई चीज़ है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप एक बार इस प्रदर्शनी में ज़रूर जाएं, ताकि आपको पुराना इतिहास किस तरह से था, मुग़लों का इतिहास किस तरह से था, पुराना भारत किस तरह से था, आप इस जगह पर जाकर समझ जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको पूरी वीडियो हम अपने इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और कुछ दर्शक लंबी वीडियो देखना नहीं पसंद करते, तो दोस्तों माफ़ करिएगा। और यदि आपको यह वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि आपका कोई भी जवाब हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब अपना भेज सकते हैं, आपका हम जवाब का तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं।